कराहल दौरे पर आए पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने वन मंत्री रामनिवास रावत पर कसा तंज, बोले अपने निजी स्वार्थ और सौदेबाजी के चलते जनता पर थोप गए उपचुनाव। खबर कराहल से है, जहां विजयपुर विधानसभा में आगामी समय में बहुत जल्द होने जा रहे उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दी है। ये उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। कराहल में आज बूथ सेक्रेटरी की मीटिंग लेने कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह आए। यहाँ पनवाड़ा तिराहे पर कांग्रेस द्वारा उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान जयवर्धन सिंह प्रेस मीडिया से चर्चा के दौरान वन मंत्री पर खूब तंज कसे, बोले कि वन मंत्री के गृह क्षेत्र में स्थित कूनू नेशनल पार्क में चीतों की लगातार मौतें हो रही है, मगर इन मौतों पर वन मंत्री चुप रहे। हमें तो ये लगता है कि उन्हें ये भी पता है कि कूनू में कितने चीते अभी बचे हुए हैं। अपने निजी स्वार्थ और लेन देन के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ दी, मगर वह ये भूल गए हैं कि जनता सब देख रही है और आगामी उपचुनाव में उन्हें इसका जवाब मिलने वाला है। जनता फिर से यहाँ कांग्रेस का विधायक चुनने वाली है, हम जल्द ही अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे। कराहल संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारा उद्देश्य एक ही है कि जो जनता का मत था 2023 में, जब जनता ने भारी संख्या में आकर पंजे के लिए वोट किया था, कांग्रेस के चिन्ह पर भरोसा करके कांग्रेस का विधायक बनाया था, लेकिन उसके बाद बहुत अफसोस की बात है कि रामनिवास रावत जी, जो इतने वरिष्ठ नेता रहे हैं, उन्होंने दूसरे पक्ष के साथ सौदा किया, लेन देन की और पार्टी बदली और पद से इस्तीफा दिया। आज पूरे मध्य प्रदेश में कहीं और चुनाव नहीं है, सिर्फ विजयपुर में है। क्यों? एक व्यक्ति के स्वार्थ के कारण। लेकिन जहाँ तक मुझे विश्वास है और जो मुझे माहौल दिख रहा है, कराल का एक एक मतदाता चाहता है कि पुनः विधायक बने तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का बने, और हम जल्द तय करेंगे हमारा उम्मीदवार कौन रहेगा। लेकिन हमें विश्वास है कि जब चुनाव होंगे, जनता का पूरा आशीर्वाद हाथ के पंजे को मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। देखा होगा अभी चीतों की मौत हो रही है कूनों में, क्या कहते हो क्षेत्र के वन मंत्री और जी? इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। वैसे कहीं ना कहीं जो हमें लग रहा है कि लगातार जब से चीता आए हैं अफ्रीका से, लगातार हर कुछ महीनों में घटना सामने आती है, और लगभग आज दिन तक अच्छा 10 से 12 चीता शायद मर चुके हैं। अब कितने और बचे हैं ये हमको खबर मिल जाए सबसे पहले, तो कितने लोग हैं जिन्होंने चीता अभी तक देखा भी है। एक उद्देश्य क्या था चीता लाने के लिए? उद्देश्य दो थे, एक तो जंगल बचे और साथ में थोड़ा पर्यटन भी यहाँ पर हो, लोग बाहर से आए देखने के लिए, जो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें फ़ायदा मिले, लोगों को रोज़गार मिले, नए होटल खोले। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा है। आज भी जो लोग आते हैं बाहर से चीता देखने के लिए, वो देख भी नहीं पाते, ना उनको दिख पाता है चीता। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं तो चाहता हूँ कि स्वयं, क्योंकि रामनिवास रावत जी ही अभी वन मंत्री हैं, जो अब यहाँ जिन्होंने अभी पार्टी बदली है, उनको शायद खुद जानकारी नहीं होगी अभी कि इसमें कुल कितने चीता अभी जंगल में हैं, कितने नहीं हैं। उनसे अपन पहले स्पष्टीकरण मांग लें रामनिवास रावत जी से कि हमें बताओ यहाँ के, क्योंकि 6 बार के शायद विधायक रह चुके हैं, कि क्या स्थिति चीताओं की है पूरे कूनो नेशनल पार्क में। अगर वही कुछ हमको आंकड़ा बता पाए तो ही हम मान लेंगे। हमारा उद्देश्य एक ही है कि हर कस्बे में, हर तहसील में, एक प्रकार से कोई भी अगर व्यक्ति ऐसा हो जो सोचता है कि वो बेईमानी के रूप से जो ज़मीन गरीबों की है उस पर कब्ज़ा करेगा, जो ज़मीन सरकार की है, जो ज़मीन शासकीय है, जहाँ पर कोई योजना आनी चाहिए है उस पर कब्जा करेगा, उन कभी नहीं होने देंगे। आपका प्रत्याशी कौन है जयवर्धन जी अभी उपचुनाव में? आपको जल्द खुशखबरी देंगे इसके बारे में।